बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैबिन क्रू का जॉब एक ऐसा जॉब है जहाँ पे उन्हें हर दिन अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी होती है, अलग अलग लोगों के साथ बात करनी होती है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो हाई एवरीवन, मैं संगीता पचानी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन के इंटरव्यू में सिलेक्शन पाने के लिए दो लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहिए, पहला है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी। क्योंकि हमारे देश में ये दोनों लैंग्वेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए इन दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा आपको। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूअर्स लिखने के लिए भी देते हैं, सो इन दोनों लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का सीखना या जानना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है नहीं। डोमेस्टिक एयरलाइन के इंटरव्यू में सिलेक्शन पाने के लिए किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का जानना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मालूम है तो ऑफकोर्स वो एक हमेशा एडवांटेज होता है, वो एक बेनिफिट होता है, क्योंकि आप उसको मेंशन कर सकते हैं आपके इंटरव्यू के दौरान, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। आपकी हिंदी शुद्ध नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो वही है। अगर कोई भी आपको हिंदी में कोई सवाल करते हैं उसको समझना है और उसका जवाब जो है आपको हिंदी में देना है, तो एक सेंटेंस में आप एकाध इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। बट यू नीड टू हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, योर इंग्लिश नीड्स टू बी रियली वेरी गुड। सो इसके अलावा अगर आपको और एकाध जैसे कि रीजनल लैंग्वेज मालूम है तो वो एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि अनाउंसमेंट्स किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, अनाउंसमेंट्स भी किया जाता है कि आज के विमान कर्मी दल ये लोग हैं और उनको ये भाषा मालूम है, तो उससे जो है पैसेंजर्स लोग को मालूम होता है, उनको पता चलता है कि कैबिन क्रू लोग को क्या क्या लैंग्वेजेस मालूम है। सो ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर आपको एक आध रीजनल लैंग्वेज मालूम है तो वो डेफिनेटली काम आता है। सो अभी मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पे मैंने कैंडिडेट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग बचपन से इंग्लिश में बात करते हैं, उनको घर में ऐसा माहौल मिला है जहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर दोस्तों के साथ वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सो उनको बचपन से ही वो इंग्लिश में बात करने का प्रैक्टिस है। और वो लोग जनरली एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल के दौरान वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि क्विज़ कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन। सो इससे क्या होता है, उनका प्रैक्टिस होते रहता है, वो लोग हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं, लोगों के सामने बात करते, तो उनके अंदर वो डर भी नहीं होता है। सो उनका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में उनका फ्लुएंसी होता है, और वो लोग आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उनका इंग्लिश जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे कंपटीशंस में मे बी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया डिबेट कंपटीशन हो गया, या फिर आपका एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन हो गया, तो ये सब कंपटीशंस में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, थोड़े से शाई काइंड ऑफ होते हैं, और घर पे उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है। स्कूल के अलावा वो लोग घर पे ऐसे बात नहीं करते इंग्लिश में, या फिर दोस्तों के साथ भी इंग्लिश में बात नहीं करते, तो क्या होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उनका जो है इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनमें एक हिचकिचाहट होती है। सो ये लोग जो है सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दूसरे मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि वो लोग इंग्लिश में बात करें, घर पे हो या दोस्तों के साथ, वो लोग दूसरे भाषा में ज़्यादा बात करते हैं, तो दूसरी भाषा में उनका कमांड ज़्यादा है, इंग्लिश में नहीं होता है, सो उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो होता है। सो ये लोग जो है तीसरे कैटेगरी पे आते हैं जो कि दूसरे मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको इंग्लिश भाषा समझने में दिक्कत होती है, जैसे कि अगर मैंने कुछ इंग्लिश में पूछ दिया तो उसको अगर वो लोग ट्रांसलेशन उसका अगर वो लोग ट्रांसलेशन मांगते हैं, उसको अगर समझाने के लिए बोलते हैं, तो बेसिकली उनको समझने में दिक्कत होती है, तो वो लोग जो है फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। सो मैं फोर्थ कैटेगरी के कैंडिडेट्स लोगों को यही बताना चाहूँगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर आप में वो लगन है, अगर आप में वो पैशन है, तो सब कुछ पॉसिबल है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो आपको जो है बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी, आपको जो है आप लोगों को जो है एकदम स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करना होगा, अलग अलग किस्म के प्रैक्टिसेस करने होंगे, तब जाके आपका जो है इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे. मैं अपने ही लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी. मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, कई सारे स्टूडेंट्स थे वो जो छोटे छोटे टाउन से आए थे, जब शुरू में आए थे तो एक सेंटेंस भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए, तो जाके उनका जो है इंग्लिश इम्प्रूव होने लगा. धीरे धीरे उनका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होने लगा और अभी वो लोग सक्सेसफुली अलग अलग एयरलाइंस में कैबिन क्रू के हिसाब से जॉब कर रहे हैं. तो सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो पैशन होनी चाहिए और आपको बहुत सारे ढेर सारे मेहनत करने पड़ेंगे. मैं फिर से कह रही हूँ, आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन चलता है. मतलब आपको जो है एक सेंटेंस में आप एक आध इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए. आपको एक कन्वर्सेशन कैरी करना पड़ेगा, किसी के साथ भी अगर आप बात करते हैं आपको कन्वर्सेशन कैरी करना पड़ेगा. तो आपको जो है समझना है और उसका जवाब देना है. अलग अलग पैसेंजर्स के अलग अलग सवाल होंगे, उनको समझना है और उनका जवाब देना है. सो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली वो धीरे 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 इम्प्रूव होने लगेंगे. अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू बहुत इजी है. मैं तो ऐसे ही चली गई, ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, गूगल देखिए, यूट्यूब हम लोग का वीडियोस देखिए, तो आप लोग जो है ऐसे ही सीख जाएंगे, ऐसे ही समझ जाएंगे, इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएगा. कहीं में भी जाके फॉर्मल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं में भी जाके आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हैं. इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ. सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हो सकता है उनके लिए आसान रहा हो, हो सकता है वो लोग जो है फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिनका इंग्लिश और हिंदी अच्छा है, जिनको बचपन से ही इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस है, जो मे बी स्कूल में भी बहुत अच्छे इंग्लिश में बात करते हैं, वो लोग को मौका मिला है, या फिर मे बी वो लोग घर में बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो उनको जो है बचपन से ही इंग्लिश में बात करने का प्रैक्टिस रहा है, इसलिए उन लोग का जो है इंग्लिश अच्छा होता है. तो उन लोग के लिए हो सकता है ये बहुत इजी है इंटरव्यूज क्रैक करना. लेकिन बाकी कैटेगरीज में आने वाले कैंडिडेट्स, बाकी कैटेगरीज में जो लोग कैंडिडेट्स हैं, उन लोग का क्या? उनमें भी वो लोग, उन लोगों में भी वो पोटेंशियल होते हैं, उन लोगों में भी वो क्वालिटीज होते हैं, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत हो सकती है. और गाइडेंस लेना, कहीं से सीखना, कुछ सीखना कोई गलत बात नहीं है. कोई लोग ट्यूशन लेके मार्क्स स्कोर करते हैं, कोई लोग ट्यूशन नहीं लेके मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन जो लोग ट्यूशन लेके मार्क्स स्कोर करते हैं उन लोग का मार्क्स जनरली अच्छा होता है. मेडिकल में भी अगर कोई लोग जाते हैं तो कोचिंग करते हैं, तब जाके उन लोग का एंट्रेंस में अच्छा स्कोर जाता है. सो कोचिंग करते हैं, उसके बाद वो लोग एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सो बाकी कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनको हो सकता है कि उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत हो सकता है, उनको सीखने का ज़रूरत हो सकता है. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और ऐसे यूट्यूबर्स की बात सुन के बहुत लोग चले भी जाते हैं इंटरव्यूज में, एक बार देते हैं, दो बार देते हैं, तीन बार देते हैं, चार बार देते हैं, वो लोग इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं. उसके बाद क्या होता है, उनका जो है वो ड्रीम, कैबिन क्रू बनने का जो ड्रीम है वही वो लोग गिवअप कर देते हैं, क्योंकि इतना रिजेक्शन के बाद किसी का भी होता है कि वो लोग गिवअप करते हैं, उनको लगने लगता है कि उनका उनके बस की बात नहीं है, तो वो लोग गिवअप करने लगते हैं. तो ये चीज़ बहुत गलत है. तो आपको जो है खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं. आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो बेझिझक जाइए और इंटरव्यूज दीजिए, कोशिश कीजिए. एक आध बार, एक दो बार हो सकता है आपको देना पड़े, लेकिन हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए. लेकिन अगर आप बाकी कैटेगरीज में आते हैं तो हो सकता है आपको कहीं से थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, आपको कहीं से सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो सक्सेस होगा, आप जाके इंटरव्यूज में सिलेक्शन आपको मिलने का चांसेस रहेगा. मतलब आपको मिलेगा चांसेस कि आपको सिलेक्शन मिलेगा. तो ये चीज़ आपको पहले समझना है, आपको ये समझना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते. किसी के बात सुन के आप इन्फ्लुएंस मत होइए, आप पहले समझिए, खुद से समझिए आप कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और अकॉर्डिंगली जो है इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कीजिए. अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मिसगाइड भी करते हैं, जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग किया है, जिन्होंने कहीं से कोर्स किया है, लेकिन दूसरों को ये नहीं बताते हैं कि वो लोग कोर्स किए हैं. वो लोग दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बल पे उन्होंने जॉब लिया है. तो ऐसे भी मिसगाइड करने वाले यूट्यूबर्स होते हैं, और ये सारी बातें जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. और ऐसे लोगों को अगर आप एक रिज्यूमे भी बनाने के लिए बोलेंगे तो वो एक रिज्यूमे तक नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनका रिज्यूमे भी किसी और ने ही बना के दिया है. सो ऐसे भी मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं. सो आप अपने से पहले एनालाइज कीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और अकॉर्डिंगली अपना जो है प्रिपरेशन शुरू कीजिए.
अभी जब फॉर्मल ट्रेनिंग की बात आती है तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जगह भी आपको संभाल के और देख के आपको चूज़ करनी पड़ेगी। आप कहीं में भी जाके एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि आप आइए एडमिशन लीजिए और आपका जॉब जो है 100% गारंटी है। तो ये गलत बात है, एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आपको परफॉर्म अच्छे से करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म रियली वेरी वेल इन इंटरव्यूज़। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो अगर कहीं में ये बोलते हैं कि आप आइए एडमिशन लीजिए जॉब गारंटी है, तो वो गलत है, क्योंकि आपका इंग्लिश वीक है इसलिए आप जाके कहीं से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप कहीं में जाके कोर्स करना चाहते हैं, या आपका बॉडी लैंग्वेज वीक है इसलिए आप कहीं में जाके उसको सीखना चाहते हैं। तो अगर आप में वो आपको पता है कि आपका ये वीक है, तो बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ कोशिश के, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, आपको कैसे जॉब मिल सकता है, गारंटी कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जगह भी आपको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली इंटरव्यूज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अभी जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ सोल्यूशन भी है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ गॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक माहौल, आपको एक माहौल ढूंढनी पड़ेगी, आपको एक माहौल कहीं में ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप इंग्लिश में हर समय बात कर सके, जहाँ पे कोई भी आपको टोके नहीं, जहाँ पे कोई भी आप पे हंसे नहीं, जहाँ पे अगर आप गलती करते हो तो कोई आपको सुधार दें। सो ऐसा एक माहौल आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो माहौल आपको घर पे भी मिल सकता है, अगर आपको घर पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स के बीच में कहीं में जो कोई अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर या मेंटर के पास आपको जाके वो सीखना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आप इंग्लिश में हर समय बात कर सकें। तो आपको जो है सबसे पहले एक माहौल ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा, जैसे मैंने बताया मेंटर का मतलब गाइड। वो मेंटर आपके जीवन के कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स में से कोई जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है आप उनसे सीख सकते हैं, या फिर कोई भी टीचर या कोई ट्रेनर जो आपको गाइड करेंगे, हर समय आपको सुधारेंगे कि ये गलत है ये सही है, आपके गलतियों को अच्छे से आपको सिखाएंगे कैसे क्या करना है। तो ये जो है मेंटर की ज़रूरत हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटर का, आपका लाइफ में मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। और वो मेंटर अगर एविएशन इंडस्ट्री के होते हैं तो ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के कम्युनिकेशन स्किल्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग होता है। तो जिन लोग का एक्सपीरियंस है एविएशन में, वो लोग आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे, और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा ही, साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि उनको देख के आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके बारे में मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ और उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो है बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा। तो सेकेंड जो है मेंटर। थर्ड, एक्टिविटीज़। आपको कई सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना पड़ेगा, इंग्लिश बुक्स पढ़ना पड़ेगा। आपको इंग्लिश बुक्स में हो सकता है स्टोरी बुक्स हो, चाहे आपको नॉवेल्स, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। तो उससे क्या है, आपके पास जो है वर्ड का स्टॉक बढ़ेगा, जितना वर्ड स्टॉक बढ़ेंगे उतना ही आपका फ्लुएंसी भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ, फ्लुएंसी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना है, क्योंकि फ्लुएंसी सब नहीं होता है, बहुत लोग के पास फ्लुएंसी होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है बात करने का। सो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पब्लिक स्पीकिंग, मॉक इंटरव्यूज़, ये सारे प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। तो उससे क्या है, आप जब एक ग्रुप के साथ प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। तो इससे जो है आपको लोगों के सामने बात करने का डर नहीं रहेगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके सामने एक इंटरव्यूअर हो या पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स हो, आपको जो है डर नहीं रहेगा। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सिर्फ आप में वो लगन होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए, बहुत मेहनत करने होंगे। तो एक लैंग्वेज का पिकअप करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, एक लैंग्वेज सीखना है वो आसानी से आप सीख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप ज़रूर सीख जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर से आऊँगी एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। तो तब तक के लिए, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं हम लोग के इस फेसबुक पेज पे जो संगीताज इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग है, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @siadguwahati।
तब तक के लिए मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए. सी यू ऑल वेरी सून. लव यू. टेक केयर. बाय बाय.